अभी हमने अभी अपने लिए आवाज किया।
चलेगा, नहीं 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 चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, जग्गा माफिया बंद करो, बंद करो, बंद करो, जग्गा माफिया बंद करो, बंद करो, बंद करो, जग्गा माफिया बंद करो, जग्गा माफिया बंद करो, बिल्कुल ना दे दो, दरवाजा कोई नहीं है, बाहर मत जाए। भैया कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं? हाँ भैया कितने पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं? 40 रुपए। भाई जान कितने पैसे हैं पर्ची के? 40। तो 10 रुपये। फुरकान भाट साहब तो कह रहे हैं 10 रुपए लेने हैं। वो कल से 10 रुपए, कल से 10 रुपए, आज से नहीं?
आज क्या है? आज लागी है पर्ची। आ, पर्ची पे लिखा है 40 रुपए कहीं दिखाएंगे? दिखाएं। कहाँ लिखा है? 40 किधर लिखा है? ये तो कार का लिखा है, ये कार का लिखा है, कार का लिखा है। आप कितने ले रहे हैं? अभी तो एहतजाज चल रहा है और आपने 40 रुपए शुरू कर दिए लेने। हाँ जी। हाँ, मतलब आपको किसी का डर नहीं? डीसी वगैरह कोई भी आके कहे? मतलब आपको किसी का डर नहीं? उधर बैठे ना ठेकेदार। मैंने तो बार बार मैसेज भिजवाए हैं, हर एक को कहा है कि शहरियों से जगह क्यों वसूल किया जा रहा है? यहाँ पे आए रोज ऐसे वक्त बदमाशी करते हैं, बदमाशी करते हैं। एक बार रेश आदमी, बुजुर्ग आदमी, जब उसको नादरा वालों ने गुटियां दिखाते हुए तीन चक्कर लगवाए, आप ये लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, वो जितनी दफा गए उतनी दफा ही उनसे 40 रुपए इन्होंने जबरदस्ती लिए और बदमाशी की। फिर हम तो मजलूमों के साथ, मैं तो अपने शहरियों को लवारिस नहीं छोड़ सकता। मेरी जमात इस्लामी तो शहरियों के हकूक की जंग लड़ेगी, हर शहर लड़ेगी, हर जगह लड़ेगी इंशाल्लाह। आज हमने उनको कहा है, ये देखे ये कब्जा किया रोड के ऊपर, ठीक है, ये रोड पे सारी उन्होंने तंबू किनात लगा के बगैर पार्किंग स्टैंड बना के, और यहाँ पे 40-40 रुपए ले रहे हैं और मोटरसाइकिल वहां से 100 रुपया। इतनी बदमाशी, इतनी बदमाशी। और इस बदमाशी के खिलाफ हम निकले हैं, हम शहरियों के मशकूर हैं जिन्होंने तावन किया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जिली इंतजामिया को भी कहता हूँ कि अपना फर्ज निभाएं। आप तो तनख्वाहें लेते हैं, आप तो टैक्सों पे पलते हैं, आप तो टैक्सों पे पलते हैं, फिर भी आप अगर गरीबों पे जुल्म होता देखें, आपके अलकार अपनी मंत्रियां लेके चले जाएं, तो ये तो नहीं पर चलेगा, हम तो नहीं चलने देंगे। भट्ट साहब, आप अजीज भट्ट साहब की बात सुनिए, इनका यही कहना है कि जो कॉर्पोरेशन की जानिब से जो मोटरसाइकिल के चार्जेस रखे गए हैं वो 10 रुपए रखे गए हैं, लेकिन जो पार्किंग माफिया उसकी जानिब से 40 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। यही वजह के जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि जब तक ओवर चार्जेस और जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है वो खत्म नहीं हो जाते, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी भट्ट साहब, आप अभी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने स्टैंड ये जो तंबू कनाते लगी हैं या गिराई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कारिंदे खड़े हैं वो जाने वालों से 40 रुपए ही वसूल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज से नहीं, आज एहतजाज हो रहा है, ठीक है आज 40 रुपए चलेगा, कल से देखेंगे 10 रुपए करना है कि नहीं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी करेंगे, अभी मैंने शहरियों को क्या जूतियां उतार ले। कारिंदे वहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस टेंट के नीचे जो है ठेकेदार मौजूद है, कर सकते हो तो उसका कुछ कर लो। मैं कहता हूं हम ये टेंट ही जो है उखाड़ के साइड पे क्यों किए? नजायज तजावुजात है, ये बदमाशी के अड्डे हैं, यहाँ पे जुल्म होते हैं। हम किसी ऐसे अड्डे को नहीं रहने देंगे जहाँ पे मेरे शहरियों के जेबों पे ढाका डाला जाए। 40 रुपए इनकी बाप का जागीर नहीं है, इसके वारस शहर के वारस हम हैं, कोई MNA MPA नहीं, वो तो इनसे मंत्रियां लेते हैं, कॉर्पोरेशन इनसे मंत्रियां लेती है। हमने ये वादा कह दिया कि हमने किसी सूरत जो है जगह नहीं लेने देना। 10 रुपए शेड्यूल है, 10 रुपए ले, हर शहरी देगा, प्यार से देगा, मोहब्बत से देगा, पर किसी सूरत किसी को भी इन शहरियों से जगह स्कूल नहीं करने। एक फोटो के पीछे भैया कितने पैसे हैं पर्ची के? हाँ, 10। चले कोई यहाँ लेने दे अभी। भैया पर्ची पे दिखाएंगे कहीं लिखे हो 40 रुपए या 10 रुपए? 10। किधर लिखा है 10? ये 10 रुपए लिखा है और ये कार के 30 रुपए लिखा है। उधर जो आपका बंदा खड़ा है वो कह रहा है 40 रुपए ही लेने हैं, ठेकेदार को बताओ। हाँ, आप ठेकेदार हैं यहाँ के? ठेकेदार साहब किधर है, ताकि उनसे भी पूछा जा सके। भजन कितने ले रहे हैं? 10 रुपए दो आ रहे हैं फिलहाल, अभी खड़े हैं पास शायद इस वजह से। इससे पहले कितने ले रहे थे? आपको कुछ कहना? 40। आपने 40 जब आप और भी लोग दे रहे थे, आपने इंसाफ से पूछा कि भाई 40 दिखाओ तो सही, पर्ची पे लिखे कहाँ?
जिससे भी अब जिसको भी पर्ची आपने देनी है या दे रहे हैं उनसे पूछा है, पहले 40 ले रहे थे, पर्ची पे 40 लिखा किधर है? वो कह रहे थे जी हमने ठेका लिया हुआ है। उन्होंने ठेका लिया है, आपने पैसे दे के रसीट लेनी है? 400 रुपए देने जी। यार दो मोड़ आप भाईजान डीसी ऑफिस से हैं? आप डीसी ऑफिस में जाओ तो। आप डीसी ऑफिस में भाईजान? वो 20 रुपए मांग रहा है। कौन 20 रुपए मांग रहा है? कौन 20 रुपए मांग रहा है बताइए? कौन मांग रहा है 20? मैं लेडीज के लिए बना रहा, आपकी बना रहा हूँ। आप डीसी ऑफिस में मुलाजिम है, आप ये कम से कम कन्वे करेंगे कि ये किया जा रहा है कि आप सिर्फ आ गए, आपने उससे कहा कि मैं डीसी ऑफिस में मुलाजिम हूँ, सिर्फ उन्हें 10 रुपए की छूट है, बाकी 40 दें, इसके बारे में क्या कहेंगे? शख्सियत अगर कोई मेरा मतलब मुलाजम नहीं बिल्कुल सादी जी गल है, कोई ये लंबी चौड़ी या समझना है। शेड्यूल किन्ना है? 10 रुपए। मेरी यह गल सुन लो, अज असि बिल्कुल प्यार ना तुहानू समझाया। मुलाजम को कमी पेशी कर दिया, हालत गंदी है, इनकी हरकत नहीं करेगा कि उन्होंने सारी प्रॉब्लम मुलाजम तुसी सामो ना कितने मैं तुसी मुलाजम हो किन्नी पैसे लेंदे हो? यार अगर तुसी 1000 रुपया अपनी ईमानदारी ना लवो, 10 रुपए दे के ते अपनी कबर ते पार ना पाओ, देखो सादी जी गल है। बेशक बेशक जिन्ना तुहाडा फुद्दू लगना ही लग गया, हुण असी जिन्ने इत्थों 40 रुपए 30 रुपए 20 रुपए ले जुतियां मारांगे जुतियां, असी बड़ा बर्दाश्त किया तुहानू। बार बार वेखो असी डीसी नू भी कहता, सीओ कारपोरेशन नू, सब नू कहता, सब नू कहता। आ बोर्ड दे उत्ते 10 रुपए लिखा, जिन्ने बोर्ड से स्टीकर लाया उहदा भी इलाज करांगे, जिन्ने 10 रुपए तो वध ले 1 रुपया ही वध रहा उहदा भी इलाज करांगे। 10 लवो, असी कुछ सब दिंदे ने, कोई बंदा तुहानू 10 रुपए देण तों इनकारी नहीं, पर जगह देण तों इकरारी भी रोटी मूंह च पांदे ने, जदों हराम दे पैसे जेब च पांदे ने उदों नहीं उन्होंने पता लगा कि 40 रुपए दे हिसाब नाल तुसीं रोज 3 लख कमा रहे हो, उदों नहीं पता लगा। पर मैं फिर भी तुहाडी दार है, तुसीं गल कीती नहीं पता, ये तुहानूं मैं दस देवां, 10 रुपए तो असीं 1 रुपया नहीं वध तुहानूं लैण नहीं देना ते किसे नूं देण नहीं देना। तो ले आ ते जुत्तियां पहरांगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करेगी इंशाल्लाह। आपने कितने पैसे दिए हैं? आपने कब दिए? 40 रुपए दिए हैं जी, अभी 40 रुपए। इन्होंने अभी 100 दिया है। कितने पैसे हैं भाई पर्ची के? 10 रुपए भाई, 10 रुपए सिर्फ कैमरे के सामने या बिहाइंड द कैमरा? 40
जमात इस्लामी ने जी फुरकान अजीज भट्ट साहब ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है। इंतजामिया तो शायद कुछ कर नहीं पाई, लेकिन फुरकान अजीज भट्ट साहब ने बतौर बाजू इस माफिया को कम अज कम और कुछ नहीं नकेल डालने की कोशिश की है। ये इनकी कनातें गिरा दी गई हैं। ये आप पर्चियां देख सकते हैं, ये सारी कम से कम जो है वो 40-40 रुपए के हिसाब से काटी गई हैं। इनमें कोई शायद ही कोई एक हो जो 10 रुपए के हिसाब से काटी गई, और ये तकरीबन पिछले आधे घंटे में इतना हो चुका है। ये आप ये भाईजान को देख सकते हैं, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं नादरा के स्टैंड पर। ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 10 रुपए ही हम लेंगे। व्हाट्सएप कोई नंबर आप देना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर कोई 40 ले रहा है तो वो आपसे राबता करे, या कोई बताना चाहेंगे एड्रेस ऑफिस का के उस बंदे से राबता करें या वहाँ आ जाए? तो आपका भाई फुरकान जिस पर लोगों के दिलों में रहता है, फिर भी आप नंबर नोट कर रहे हैं 0302-6413-005। ठीक है जी, ये है मेरा नंबर, और मेरा दफ्तर जना रोड एशिया जिम के साथ हमारा दफ्तर मौजूद है। जमात इस्लामी के तमाम दफ्तर इस शहर की आवाम के दफ्तर हैं। जिससे कोई बदमाशी करे, कोई जगह ले, किसी के इलाके में मनशियात बिके, कोई जुल्म ज्यादती करे, चाहे वो एक फूल वाला हो, दो वाला हो, तीन वाला हो, या कोई स्टार वाला हो, जमात इस्लामी सबकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम हर एक हकूक की बात करेंगे, हर मजलूम के साथ खड़े होंगे, हर वडेरे जागीरदार सरमायादार, चाहे किसी के पास शेर की टिकट है, तीर की टिकट है, या बल्ले की टिकट है, जो जो यहाँ से पैसे बटोरता रहा है, एक एक पाई का उससे हिसाब लिया। एक बात और आप भी नोट कर लें, इसके बाद हमारा अगला जो पड़ाव होगा, एम एस साहब आप मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो जाएं, हम सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे। वो जो आपके जो वहाँ पे अमला मौजूद है, जो टच से मस नहीं होता, जब एक गरीब आदमी जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसके बच्चे को दवाई मुयसर नहीं, वो सिविल हॉस्पिटल जाता है, और जब वो मोटरसाइकिल से उतरता है और 40 रुपए जगह देता है, और उनसे भी हम एक एक पाई का हिसाब। बट सर मैं चूंकि जीफ और गुजरांवाला से हूँ, तो मैं उसी हवाले से, हमने जो कल स्टोरी भी इस हवाले से एक चलाई है कि पिछले एक साल में 983,000 लोगों ने सिविल अस्पताल का विजिट किया है, और उसमें से हमने जो रेशो निकाली है, अगर हम 50% भी हम ये देखें कि 50% लोगों ने पार्किंग लॉट यूज किया और वो सारे के सारे मोटरसाइकिल पर ही आए, तो तकरीबन 49 लाख का जो है वो सरकारी फीस बनती है जो कि उनके पास गई, लेकिन 1,49,00,000 जो है वो मरीजों से लिया गया। उस 1 करोड़ का हिसाब कौन देगा, ये आप सवाल नहीं करेंगे? हम लेंगे, MS देगा, इस्लामिया देगी। ये जो ठेकेदार जो चेहरे बदल के कुछ स्लीपिंग पार्टनर, कोई वो मुख्तलिफ निशानों के कैंडिडेट, इसके पुश्ती भाई हम उन सबको कहते हैं भाई, हम बहुत आपको नंगा करेंगे, जेल चौक में चुराए चुराए में गली गली में आपका इलाज करेंगे। उससे पहले आपने जो मेरे शहरियों से पैसे लूटे हैं, उनकी जेबों पे डाका डाला, वापस दे दें। जमात इस्लामी इस मुल्क को लूटने वाले, इस शहर को लूटने वाले, इन इदारों को लूटने वाले से एक एक पाई का हिसाब लेगी। शुक्रिया। चलें जी आ जाइए।